नमस्कार सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की राशन कार्ड के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आपके पास नया या पुराना राशन कार्ड है तो आपके लिए एक खबर जान लेना काफी बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है राशन कार्ड के रिगार्डिंग भारी बदलाव किया गया है एवं भारी नियम जो है यहाँ पर लागू किया गया है। अगर आप इस नियम को नहीं जानेंगे तो यहाँ पर जो है आप अनाज लेने से जो है वंचित हो जाएंगे। तो जो है इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखेगा। इससे पहले आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक इस सरकारी योजना से नहीं जुड़े इसी वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके एवं सरकारी योजना का लाभ उठा सके। 3 माह तक राशन नहीं उठाना पारा महंगा, राशन से वंचित होंगे कार्डधारी। देखिए यहाँ पर जो है कुछ नियम लागू यहाँ पर किया गया है जो आप लोग को जान लेना काफी बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पॉस मशीन के माध्यम से 3 माह तक राशन का उठाव नहीं करने वाले कार्डधारियों को राशन से वंचित कर दिया जाएगा। अनुमंडल प्रशासन ने इसके लिए वैसे कार्डधारियों को चिन्हित कर उन्हें राशन से वंचित करने का निर्देश सभी MO को दिया है। ऐसे में जितने कार्डधारी हैं उनमें मात्र 85% ही राशन का उठाव कर रहे हैं। शेष 15% कार्डधारी या तो बाहर है या मृत है या पात्रता को पूरा नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है कुछ कार्डधारी ऐसे हैं जो अपना नया राशन कार्ड बनवा लिया है या उनके पास पुराना राशन कार्ड है, वैसे लाभार्थी जो है बाहर चल गए हैं, घर पर नहीं है, वैसे लाभार्थी जो है अनाज नहीं उठाव करते हैं। पर सरकार ने यहाँ पर ये नियम लागू कर दिया है कि अगर आपके पास नया राशन कार्ड हो या पुराना राशन कार्ड हो, अगर आप 3 माह तक अनाज का उठाव नहीं करते हैं तो आपको जो है राशन से वंचित कर दिया जाएगा, आपको जो है अनाज नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो है ये नियम जो है सरकार ने अब लागू कर दिया। कार्डधारी अनुमंडल में अभी कुल 1,48,563 जो है राशन कार्डधारी है। इनमें रक्सौल शहरी एवं ग्रामीण में जो है 37,269 एवं आदापुर में जो है 39,031, रामगढ़वा में जो है 39,352 एवं छावरा दानू में जो है 32,911 शामिल है। 1,39,579 कार्डधारी ही कर रहे हैं अनाज का उठाव, राशन का उठाव। अनुमंडल में 1,39,579 कार्डधारी ही राशन कार्ड उठाव कर रहे हैं। इनमें 35,388 जो है आदापुर में एवं 36,323 रामगढ़वा में, 36,888 एवं छावरा दानू में, 30,900 अनुमंडल में 392 डीलर कार्यरत है। इनमें रक्सौल ग्रामीण 85 एवं शहर में जो है 31, रामगढ़वा में जो है 98 एवं आदापुर में जो है 99 एवं छावरा दानू में जो है 79 एवं शामिल है। देखिए यहाँ पर जो है कहते हैं अधिकारी SDO आरती का कहना है कि पॉस मशीन के माध्यम से 3 माह तक राशन का उठाव नहीं करने वाले कार्डधारियों को राशन से वंचित करने का विभागीय दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। इसको लेकर कार्यवाही आरंभ कर दी गई। यहाँ पर जो है जो राशन कार्डधारी जो है 3 माह तक राशन का उठाव नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो है उन पर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उनको जो है राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा, उनको जो है अनाज नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो है बिहार सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।